एवरीवन, आपसे भी का हमारे यूट्यूब चैनल आदि ग्रोन में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। तो हम इकोनॉमिक की सीरीज में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड अब बारी है फॉर चैप्टर फोर की, दैट इज योर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो जल्दी से हमारे चैनल पे आ जाइए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आए। तो जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए। हम आज का चैप्टर जो इकोनॉमिक सीरीज और रोशनी मैम के साथ जो चैप्टर्स कर रहे थे हम फिनिश करेंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाओ और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और जल्दी से बोल दो यस मैम हम स्टार्ट करते हैं, तो मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो किस किस को क्या मालूम है ग्लोबलाइजेशन और ये कब से आया है, कौन सी ऐसी रिफॉर्म हुआ था जब से ग्लोबलाइजेशन आ गया? तो जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और आप लोगों को समझ आ रहा है, आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कर लिया है तो जल्दी से मुझे रिस्पॉन्स दीजिए। ओके, तो देखते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। प्रोडक्शन क्या है? अक्रॉस कंट्री होता है इन द अर्लियर टाइम। ओके, पहले क्या होता था? ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द कॉलोनियल कंट्रीज एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री। जैसे कि हमें पता है जब हमारे इंडिपेंडेंट जब कंट्री हमारे इंडिया पे ब्रिटिशर ने क्या किया था, रूल किया था, तो वो क्या करते थे, हमारे रॉ मटेरियल्स अपने कंट्रीज में लेके चले जाते थे और फिनिश गुड्स यहाँ पे आके बेचते थे और फिर हमारी चीज हमें ही बेचते थे। कितनी गंदी बात है ना, बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ। बट अब पहले होता था, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, एग्जाम्पल है यूरोप, यूएसए। ठीक है, द थिंग्स बिगेन टू चेंज फ्रॉम द मिडल 20th सेंचुरी। अब मिडल 20th सेंचुरी में चेंजेस होने लग गए। सम कंपनीज बिगेन देयर फंक्शंस मोर देन वन कंट्री बिकम अ एमएनसी। देखिए एमएनसीज का मतलब ही क्या होता है कि वो अपनी ब्रांचेस, एक उसका एक हेड ऑफिस होता है किसी भी कंट्रीज में और वो अपने ब्रांचेस मल्टीपल कंट्रीज में रखता है, उसे हम मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। ओके, जिसको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी बोलते हैं। दिस स्प्रेड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और अपनी जो ब्रांचेज हैं वो बहुत सारी कंट्रीज में रखता है। मल्टीनेशनल कंपनीज होती क्या है देखते हैं। एमएनसी जिसको फुल फॉर्म बोलते हैं इज एन एंटरप्राइज ऑपरेटिंग अ सेवियल कंट्री बाय मैनेज फ्रॉम वन कंट्री और ग्रुप दैट डाइवर्ट्स अ क्वार्टर ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आउटसाइड ऑफ होम कंट्री। मतलब कि वो अपने होम कंट्री में रहता है, मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस इंडिया का है और उसने क्या किया, हर एक कंट्री में अपनी ब्रांचेस खोल दिए मल्टीपल और वो अपने होम कंट्री इंडिया से ऑपरेट सबको कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, रिलायंस दूसरी कंट्रीज के लिए क्या होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज। ओके, चले समझ आ रहा है, बहुत ईजी है ना, आप जल्दी से समझिए, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हाउ एमएनसीज कैन स्प्रेड एंड गेट कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन। अब देखते हैं एमएनसीज कैसे फैला हुआ है और अपने प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करता है। एमएनसीज कैन स्प्रेड एंड कंट्रोल। देखिए चलिए फर्स्ट क्या पॉइंट बोल रहा है, मेरे साथ रीड कीजिए स्टूडेंट्स आप लोग। सेटिंग अप जॉइंट प्रोडक्शन यूनिट विथ लोकल कंपनीज। ये क्या करते हैं, ये हैंड मतलब कि जो भी कंट्रीज में ये जा रहे हैं उनके लोकल कंपनी के साथ मिल जाते हैं, ज्वाइंट हैंड कर लेते हैं, 50-50% शेयर मतलब कि शेयरिंग कर लेते हैं, मेंबरशिप या फिर बना लेते हैं। ठीक है, टू बाय अप लोकल कंपनीज एक्सपेंडिंग इट्स प्रोडक्ट बेस। और वो अपनी मतलब लोकल कंपनी के साथ एक्सपेंड कर देते हैं, प्रोडक्शन बेस बनाते हैं। प्लानिंग ऑर्डर विथ स्मॉल प्रोडक्ट और बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को प्लेसिंग करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं बाय यूजिंग देयर ब्रांड, अपना ब्रांड, अपना टैग होते हैं, टैग तो उनका ही होता है बट वो क्या करते हैं, अपनी जो गुड्स हैं वो लोकल कंपनीज को दे देते हैं कि एज अ फ्रेंचाइज आप वर्क कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं एडवांटेज। अब इसका एडवांटेज क्या है बच्चों, चलो
बाय स्प्रेडिंग आउट द प्रोडक्शन अक्रॉस द डिफरेंट कंट्री. हमें पता है एमएनसीज क्या करते हैं, अपनी जो कंपनीज अपनी जो ब्रांच है वो स्प्रेड कर देते हैं. द एमएनसीज गेट द बेस्ट क्वालिटी रिसोर्स एट चीपर प्राइस. और आपको यूएसए का सामान, यूके का सामान, दूसरी कंट्रीज का सामान क्या होता है, आपको चीप क्वालिटी में सस्ते प्राइस में मिल जाता है. वाह, कितनी अच्छी बात है ना. दिस इंक्रीज देयर प्रॉफिट. इससे उनकी प्रॉफिट इंक्रीज होती है. बाय स्प्रेडिंग द प्रोडक्शन एमएनसी जनरेट एम्प्लॉयमेंट. और द बिगेस्ट हेल्पफुल क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. मान लीजिए प्राइस तो प्राइस, लेकिन जब दूसरी कंट्रीज हमारी कंट्रीज में आते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं. मेनली जो होता है अंडर डेवलप्ड कंट्री जो होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है सच. फिर देखते हैं इंटरलिंकिंग द प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज. अब क्या है इंटरलिंक, एक दूसरे से कैसे लिंक हो रहे हैं, कैसे कैसे चल रहा है अक्रॉस द कंट्रीज. तो एमएनसीज लिंक द प्रोडक्ट टूरिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द फॉलोइंग वे. कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, चेंज इन स्टॉक इन्वेस्टमेंट करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, जॉइंट वेंचर मतलब वो लोकल कंपनी के साथ अपने जॉइंट करके फिर चलते हैं, फिर टू टेक ओवर लोकल कंपनीज. और कभी कभी क्या बेनिफिट ये चीज़ हो जाती है कि वो टेक ओवर कर लेते हैं, उनका नामो निशान हटा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विथ लोकल कंपनीज, कंपनी के साथ ज्वाइंट हैंड कर लेते हैं, ज्वाइंट वेंचर बना लेते हैं. फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट वन बाय वन इसको हम देखेंगे कैसे है. ये तो नाम थे, ठीक है, अब डिटेल में स्टडी करते हैं. तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जल्दी यस बोलिए मुझे, ठीक है. इंटरलिंकिंग द प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री. अब कैसे इंटरलिंक होते हैं ये लोग, इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या होता है, The money that is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipment is called investment. अगर आप अपना business start करेंगे तो obvious है आप उसके लिए buildings लेंगे, machines लेंगे, land होगा, तो ये सब चीजें क्या करेंगे, investment करेंगे. Okay. Foreign investment. Foreign investment when a companies or individual from one nation invest in asset और ownership stake of companies based in other nations. जब कोई जैसे रिलायंस यूएसए में जाएगा, यूके में जाएगा, जापान में जाएगा, तो वो लोग क्या कहेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अपनी जो इंडिविजुअल जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करती है एसेट्स या फिर ऑनरशिप, कि अपने मतलब रिलायंस कुछ कंपनी का शेयर्स कि आपको भी इतने परसेंट ऑनरशिप मिलेगा मेरे में, तो वो क्या हो जाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जब रिलायंस किसी और कंट्री में जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है इसकी वजह से. ज्वाइंट वेंचर. ज्वाइंट वेंचर दो लोग मिलके हैंड टू हैंड ज्वाइंट कर लिया और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट किया. एमएनसी ज्वाइंट हैंड विद द लोकल कंपनीज, मेनली क्या होती हैं, लोकल कंपनी के साथ ज्वाइन कर लेती हैं. प्रोवाइड एडिशनल इन्वेस्टमेंट टू बाय वेरियस एसेट्स. इससे क्या हो जाता है, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है और ज़्यादा बहुत सारे एसेट्स बाय कर सकते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है. टू टेक ओवर लोकल कंपनीज. अब देखिए लोकल कंपनीज क्या होता है, स्टूडेंट्स की टेक ओवर कर लेती हैं. अब वो आए, एमएनसीज आए, लोगों ने लोकल कंपनीज के गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बाय किए, उन्होंने बोला कि वाह मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, मैं उनके अच्छे प्रोडक्ट्स होते होंगे, तो वो उनके खरीद लेते, जिसकी वजह से जो लोकल कंपनीज होती हैं वो डूब जाती हैं, ठीक है. MNCs buy companies or production unit to expand the production. Companies जैसे Cargill Food of USA has taken over the Parag Food in India. तो MNCs जो थी क्या हो गया, जो companies और production unit थी वो क्या करती है, अपनी expand कर लेती है. जैसे कोई भी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है Cargill Food ने किसको टेक ओवर कर लिया था, Parag Food in India. तो ये क्या कर लेती है, demerit से क्या है, डीमेरिट्स लोग ये हैं एमएनसीज के. कॉन्ट्रैक्ट विथ लोकल कंपनीज. कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे देखते हैं. एमएनसीज आल्सो प्लेस ऑर्डर अराउंड द वर्ल्ड विथ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर. जो एमएनसीज होती हैं वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि चलो हम दोनों मिलके क्या करें कि, लेकिन ब्रांड ने अंडर इट्स ब्रांड ने, और ब्रांड नेम क्या होगा, उनका होगा, बट वो मैन्युफैक्चर कौन करेगा, लोकल कंपनीज. इट डिटरमाइन द प्राइस, और सब कुछ वो डिटरमाइन करेंगे,
प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोजेक्ट की क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशन ऑफ डिफरेंट प्रोड्यूसर, तो सब कुछ उसका ही होगा, एमएनसीज का होगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ कर लेते हैं, लोकल कंपनी से। तो इसमें कुछ एमएनसीज का पहले ही बता देते हैं, एमएनसीज का क्या होगा, कुछ कुछ अच्छा भी बेनिफिट भी होता है और कुछ उसका डीमेरिट्स भी होंगे एमएनसीज के। ओके, फिर फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड क्या होता है स्टूडेंट्स, अब हम ट्रेड की बात करेंगे। तो फॉरेन ट्रेड क्यों आ गया, तो फॉरेन ट्रेड इज बेसिकली द ट्रेड बिटवीन द टू डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नॉन एज इंटरनेशनल ट्रेड। जब दो कंट्री आपस में एक दूसरे से गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, जिसको हम फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं और जिसको हम इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। और क्या होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट जब अपने गुड्स किसी और कंट्री में बेचते हैं, इम्पोर्ट जब दूसरी कंट्री का अपने कंट्री में गुड्स मंगवाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इम्पोर्ट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में सब स्टूडेंट बताइए कि इम्पोर्ट अच्छा होता है या एक्सपोर्ट अच्छा होता है, क्या आपके, आप थोड़ा सा अपनी थिंकिंग लगा के आप मुझे बताइए। अब फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, फॉरेन ट्रेड से इंटीग्रेशन मतलब सब सारी कंट्री कैसे इंटीग्रेट हो रही है देखते हैं। फॉरेन ट्रेड हेल्प इन इंटीग्रेशन, जैसे कि हमें पता है कि फॉरेन ट्रेड क्या करती है, हेल्प करती है इंटीग्रेशन में, कैसे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट कंट्रीज। क्या होता है, ये क्या करती है, मूवमेंट करती है। अब क्या है कि कोई गुड्स है दूसरी कंट्रीज में ज़्यादा डिमांड है, तो हम उसमें उस गुड्स को क्या करेंगे, दूसरी कंट्री में बेच सकते हैं, बेच के हम इनकम अर्न कर सकते हैं। ओके, इट प्रोवाइड मोर चॉइसेस टू द कंज्यूमर। अब देखिए, अगर आप विद इन द इंडिया ही रहेंगे और दूसरे कंट्री से अपने लिंक छोड़ देंगे, तो आपकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो क्या होता है, लोगों के पास जो लोग रह रहे हैं उस कंट्रीज में, उसमें उनके साथ क्या हो जाता है, चॉइसेस बढ़ जाते हैं कि हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, इंडियन भी हैं, फॉरेन भी हैं। ठीक है, फिर देखते हैं, फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ पीपल, आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। अब सारी कंट्री एक दूसरे से, पीपल भी मूवमेंट हो रही है, पीपल एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रही हैं, उनकी डेवलपमेंट हो रही है, उनकी उनकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, आइडियाज इंक्रीज हो गई है, टेक्नोलॉजी। अब मान लीजिए अगर हम कोई भी मशीन्स बनाते हैं, उसको बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हम दूसरे कंट्री से क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर उसी गुड्स बना सकते हैं, फिर दूसरी कंट्रीज में बेच सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अच्छा हो गया। गिव अपॉर्चुनिटी टू द प्रोड्यूसर टू सेल देयर प्रोडक्ट बियॉन्ड द लोकल मार्केट एंड डोमेस्टिक। अब अपने अपने कंट्रीज में रहेंगे, किसी और कंट्री से टच नहीं रहेंगे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी कि आप अपने गुड्स को एक्सपेंड कर सके। तो इंटरनेशनल जो इंटीग्रेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, वो हेल्प करती है लोकल और डोमेस्टिक मार्केट्स को कि अपने गुड्स ऑल ओवर द कंट्री बेच सके। बायर गेट मोर चॉइसेस ऑफ गुड्स। अब जो खरीद रहा है, जो कंज्यूमर है, वो उसके पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। कितनी अच्छी अच्छी लाइन्स है, ठीक है। इट इंक्रीज द कॉम्पिटिशन, जैसे ही हेल्दी कॉम्पिटिशन कि मैं भी अपने क्वालिटी को इंक्रीज करूं, जिससे मेरी गुड्स क्या होंगी, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, तो कॉम्पिटिशन होगा, तो अपने गुड्स में क्या करेंगे, क्वालिटी इंक्रीज करेंगे, उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। कितना अच्छा था, तो मेरे साथ रिपीट कीजिए, तो गुड्स की मूवमेंट होगी, लोगों के पास चॉइसिस होंगी, आइडियाज डेवलप्ड होगी, टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी, क्या जो लोकल कंपनीज है वो बाहर में अपने सामान बेच सकते हैं, और जो कंपटीशन होगा, कंपटीशन से क्वालिटी इंक्रीज होगी, क्वालिटी इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर के लिए अच्छा है। तो हमने देख लिया, अब देखते हैं जो कि हमारा चैप्टर का नेम स्टैंड करता है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन की मीनिंग भी देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होगा, इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल इंटीग्रेशन अराइजिंग फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ वर्ल्ड वाइड। क्या होता है, इंटरनेशनल जो सारी कंट्रीज हैं, यूएसए, चाइना, ये जर्मनी, सब क्या है, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन होती है, इंटर
चेंज ऑफ वर्ल्ड, सारी वर्ल्ड एक दूसरे के साथ क्या कर सकती है, अपने व्यूज को एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने आइडियाज को एंड अपने कल्चर को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जब सारी कंट्री एक दूसरे से अपनी आइडियाज, अपने वैल्यूज, अपने कल्चर्स क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, इंटीग्रेट कह रहे हैं, तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। देखिए पिक्चर भी आपको शो हो रहा है, कितने कितने अच्छे से ये बता रहे हैं ग्लोबलाइजेशन क्या है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक है फैक्टर दैट स्टिमुलेट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज करता है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस से। तो फर्स्ट है इम्प्रूविंग इन ट्रांसपोर्टेशन। अगर इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, जैसे कि रोड्स बनेंगे, अच्छे अच्छे वहाँ पे फैक्ट्रीज बनेंगे रोड्स पे, ताकि जो जा आ रहे हैं उनके लिए बेनिफिट हो, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इंक्रीज होगी। मतलब फिर होगा डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम इंक्रीज होगी, टेली कम्युनिकेशन इंक्रीज होगी, कंप्यूटर, इंटरनेट, सब कुछ क्या होगा, स्टूमिलेट होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन यहाँ देख लीजिए। फिर देखते हैं फैक्टर डेट अनेबल द ग्लोबलाइजेशन, कैसे अब टेक्नोलॉजी कैसे इंक्रीज होगी। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट एनहांस द ग्लोबलाइजेशन। जो टेक्नोलॉजी होता है ना स्टूडेंट्स, वो किससे इंक्रीज होगा, ग्लोबलाइजेशन। सब एक दूसरे से अपने आइडियाज एक्सचेंज करेंगे, जिसके पास वो आइडियाज माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा, तो एक दूसरे से आइडियाज एक्सचेंज करोगे तो क्या होगा, इंक्रीज। तो अपनी बेस नहीं एक्सचेंज करना चाहिए, बट मतलब उसके साथ डिस्कस करना चाहिए। डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी आइडियाज जनरेट होती हैं, जिससे आपका टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगी, एनहांसमेंट होगी। ओके, फिर देखते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हैज मेड द वर्ल्ड अ वेरी स्मॉल प्लेस। फोन फोन से, कम्युनिकेशन से, जो इतने बड़े वर्ल्ड है ना, उनसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लगता है कि ये तो हमारे पास में ही बैठे। आप यूएसए के लोग से आराम से बात कर सकते हो, हम जिसके जिसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो दूसरी कंट्रीज में जा गए हैं, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होता, हमारे साथ पास मीडियाज नहीं होती, तो हम क्या उनसे क्या कम्युनिकेट कर सकते, नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लगता है कि अगर आप किसी के फैमिली मेंबर दूर भी गए हैं, तो ऐसा लगता है कि ये तो हमारे पास ही बैठे हैं, ऐसे ही होता है ना स्टूडेंट। तो और देखते हैं, तो स्प्रेडिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल ओवर द कम्युनिकेट फैसिलिट द यूज ऑफ। अब मान लीजिए आपका एग्जाम्पल दे देंगे कि अगर आपके फादर किसी बिजनेस से अब दूर गए हैं, अब उनसे बात करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो कैसे कर सकते हो, वो ठीक है या आप ठीक है, उनको पूछना है आप ठीक हो, तो ये सब किससे पॉसिबल है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर देखते हैं हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अनकरेज द ग्लोबलाइजेशन। अब ये क्वेश्चन बच्चों आ सकता है कि कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनकरेज, मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से अनकरेज करता है, कैसे देखते हैं। इम्प्रूविंग इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक्स, नाउ इट बिकम इजियर टू सेंस, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंक्रीज हो गई है, रोड्स, रेलवेज, एयरप्लेन्स, शिप जो हो गई हैं, वो सब चीज़ें की वजह से हम एक गुड्स, एक जगह की गुड्स दूसरी जगह पे भेज सकते हैं, खरीद सकते हैं। सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन आर नाउ बिकम इजी, जो कि मैं अभी आपके फादर का एग्जाम्पल दिया कि अगर आपके फादर बाहर गए हैं, फॉरेन में गए हैं, तो आपने अगर उनसे सेंडिंग करना, मतलब पूछना है वो कैसे हैं, तो कैसे पॉसिबल होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो समझ आ गया, ये इजी हो गया, हम समझ गए। देयर इज अ रैपिडली इंक्रीज इन ट्रेड विद द हेल्प ऑफ, और इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ट्रेड बढ़ता जा रहा है, लोग एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। आपको अगर कुछ भी चाहिए किसी कंट्री से, आप क्या कर सकते हैं, वहां से मंगवा सकते हैं।
ठीक है, मान लीजिए इंडिया में कोई चीज स्टॉक खत्म हो गई, एप्पल का स्टॉक खत्म हो गया, तो आप कहाँ से, इटली से वहां से मंगा सकते हैं। तो ये सब किससे पॉसिबल है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो आगे जल्दी से हाँ बोलिए, तो आगे हम चलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कि अब हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन। देखिए स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी आपको बताया था कि 1991 में हमारे इंडिया में रिफॉर्म आया था। रिफॉर्म में क्या आया था? एलपीजी, जो मनमोहन सिंह के द्वारा। तो एलपीजी ग्लोबलाइजेशन हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? इज द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, सर्विस फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट ऑनरशिप, गवर्नमेंट के हाथ। जब इंडिपेंडेंट हुआ तो हमें ये डर था कि कहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अपने गुड्स अपने इंडिया को दे दें तो फिर से क्या करें, हमारे पे रूल ना करें। इसीलिए जब वहाँ पे लोग थे जो बहुत सारे थिंकर, हमारे पॉलिटिशियंस, वो चाहते थे कि हमारा पब्लिक हो, लेकिन पब्लिक से इतनी डेवलप नहीं हुई। लास्ट में उन्होंने क्या किया कि कुछ कुछ पोर्शन धीरे धीरे करके क्या किया, प्राइवेटाइज कर दिया। तो जब गवर्नमेंट से, जो कि पब्लिक सेक्टर होते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज, उनके सर्विसेज, उनके बिजनेसमैन के में ऑनरशिप दे दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर को, उनका कुछ कंट्रोल दे दिया जाता है, वो होता है प्राइवेटाइजेशन। सिंपल वर्ड में, जब गवर्नमेंट की ऑनरशिप प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है, सारा नहीं, लेकिन अब तो क्या हो गया है सारा। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो सारा ही प्राइवेटाइजेशन होने लगी है, जिससे डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज क्या क्या है? द पॉलिसी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो इफेक्ट द ग्लोबलाइजेशन टू अ लार्ज। अगर हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, पहले क्या था, बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी कि नहीं, आप हमारे कंट्रीज में नहीं आ सकते, आप हमारे कंट्रीज में आके नहीं कर सकते, क्योंकि हमें डर था कि हम फिर से किसी के अंडर कंट्रोल में ना जाए। लेकिन धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हुआ और हमने रिफॉर्म्स लेके आए और हमने अलाउ कर दिया कि फॉरेन इन्वेस्टर आ सकते हैं, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इट रिस्ट्रिक्ट और अनकरेज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट सीइंग द सिचुएशन इन द कंट्री। ट्रेड बैरियर इज वन सच अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो तब क्या था, बिफोर 1991 रिफॉर्म्स, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी थी, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत सारे लगता था, जिसकी वजह से क्या करते थे, फॉरेन इन्वेस्टर हमारे कंट्रीज में नहीं आ सकते। तो लीजिए, ट्रेड बैरियर तो आपको मैंने समझा दिया, बट हम देख लेते हैं कि इसको हम लिखेंगे कैसे। इट इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मतलब आप एक गुड्स और सर्विसेज फ्रीली एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लिया जाता है। टैक्स ऑन इम्पोर्ट, जिसको इम्पोर्ट ड्यूटी भी बोला जाता है, इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज बीन सेट अप। इसको बैरियर बोला जाता है ताकि आप कंट्रीज में, आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली, कुछ भी आप हमारे कंट्रीज में नहीं, और उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक इम्पोर्ट मतलब टैक्स लगाया जाता था, जिसको हम इम्पोर्ट ड्यूटी। कल को अगर आपके एग्जाम में पूछते भी है ना, तो इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होता है, तो ये जो गुड्स सर्विसेज को इम्पोर्ट करते हैं उस पे जो ड्यूटी लगाई जाती है, उस पे जो टैक्स लगाया जाता है, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी। ओके, फिर देखते हैं व्हाई ट्रेड बैरियर आर यूज बाय द गवर्नमेंट। ट्रेड बैरियर होता क्यों, आप लोगों को आता होगा, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ट्रेड बैरियर क्यों लगाया जाता है, जल्दी से बताइए। टू इंक्रीज और डिक्रीज और रेगुलेट द फॉरेन ट्रेड। आपको आपको कितना फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन ट्रेडर को अलाउ करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, क्या करना है, वो सब। टू डिसाइड वॉट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ई शुड कम इन द कंट्री। कितना आपने इम्पोर्ट करना है, कितना नहीं करना है, कितने अमाउंट, कितनी क्वालिटी में करनी है, ये सब। टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम कॉम्पिटिशन। होता क्या है कि जब एमएनसीज आपकी डोमेस्टिक कंट्रीज में आ जाती हैं,
तो वो क्या करती है, लोकल कंपनीज को ओवरटेक कर लेती है, लोकल कंपनीज को वो ओवरटेक कर लेती है। इससे बचने के लिए वो क्या कर देते हैं, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, जिसको ट्रेड बैरियर्स भी बोला जाता है। ओके, तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड, कैसे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, आफ्टर इंडिपेंडेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पुट बैरियर ऑन द फॉरेन ट्रेड। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे ही हमारा इंडिया आजाद हुआ तो गवर्नमेंट, हमारे जो गवर्नमेंट थे, पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने बैरियर्स लगा दिया। उनको ये था मन में कि फिर से हमारी कंट्री को कोई रूल ना करे, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशन। और अभी हम बहुत सारे पढ़ के आए, कॉम्पिटिशन बचने के लिए, अपने लोकल कंपनीज को बचाने के लिए हम ट्रेड बैरियर्स लगा देते। इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग टू 1950 और 60, जब हमारी इंडस्ट्रीज इस टाइम पे आया था, तो लिख लीजिए जब इंडस्ट्रीज विद इन द 1950s और 60s में आया था। ओके स्टूडेंट, एट द टाइम इंडिया अलाउ इम्पोर्ट ओनली द एसेंशियल आइटम सच एज मशीनरी, फर्टिलाइजर। पर उस टाइम जब हमारा इंडिया आजाद हुआ, उस टाइम पे क्या था कि बहुत कम चीजों को हम अलाउ करते थे, इम्पोर्ट करते थे हम बहुत कम चीजों पे। फिर अब आया 1991 की पॉलिसी, तो रिफॉर्म, जिसको इंडिया में रिफॉर्म भी बोला जाता है, 1990। तब हुआ क्या था बच्चों, कि हमारे पास सिर्फ 2 वीक्स के लिए फॉरेन फॉरेन जो करेंसी थी, डॉलर, येन, पॉन्ड्स, वो बहुत 2 वीक्स के लिए ही रह गया था। तो हमारे मनमोहन सिंह थे, उन्होंने उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लेके आए। फिर हमारी कंट्री क्या हो गई, बूम हुई और रिकवर हो गई। अराउंड 1990 इट वॉज फेल्ट दैट इंडियन प्रोड्यूसर मस्ट कम्पीट विद द प्रोड्यूसर अराउंड द। तो 1919 में ये देखा गया कि जो हमारे इंडिया है, इंडिया वो क्या, किससे कम्पीट करे, फॉरेन से कम्पीट करे, ताकि वो अपनी क्वालिटी को, अपने आप को इम्प्रूव कर सके। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दे कैन इम्प्रूव देयर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स, मैंने ये आपको बताई दिया। देखिए, देयर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1991 वाज द सम मेजर चेंज इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फिर उन्होंने क्या किया, चेंज किया, कब किया, 1991, लिबरलाइजेशन वन सच अ चेंज। लिबरलाइजेशन एक चेंज आया था, द डिसीजन वॉज सपोर्टेड बाय द पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, आपके घर में भी, एक फैमिली में क्या होते हैं, आपके ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, तो पूरी कंट्री को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो देखता है कि फेयर फेयर तरह से, मतलब अच्छी तरह से, गुड, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, फेयर तरह से क्या ट्रेडिंग हो रही है। और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले था गेट, गेट को हटा के WTO आ गया। ठीक है, तो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1919, लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन अभी देखेंगे। लिखिए आ गया नेक्स्ट स्लाइड में, लिबरलाइजेशन क्या हो गया, लिबरल होगी कम। पहले बहुत लाइसेंस वगैरह देते थे कि आपको अगर इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट करना है तो बहुत लाइसेंस होता था, हर एक चीज में होता था। बट अब क्या हो गया, बहुत कम चीजों में रह गया है, अब लाइसेंस सिस्टम को हटा दिया। प्राइवेटाइजेशन क्या था स्टूडेंट, जल्दी से बताइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ, मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ, आप जल्दी से मुझे बताइए। तो हुआ क्या, ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट पुट बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बहुत बार पढ़ के, अच्छा, इनिशियली इंडियन इंस्टीट्यूशन वॉज जस्ट कमिंग अप आफ्टर इंडिपेंडेंस, सो कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट वुड नॉट हैव टू अलाउ दिस इंडस्ट्रीज। अभी भी हम पढ़ के आए, क्योंकि हम तुरंत आजाद हुए, हम नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई और कंट्री आके रूल करे, तो हम रिस्ट्रिक्टेड चीजों को ही अलाउ करते थे। In 1991, the government decided that the time has come for the Indian producer to compete the producer around the world. लेकिन जब हमारी कंट्री कुछ, हमारी जो इंडिया है, थोड़ा सा क्या हो गया, अच्छा हो गया, डेवलपमेंट हो गई,
तो हमने सोचा कि चलिए अब हम कंपीट करेंगे, हम हो गए हैं पावर में। तो लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन रेफर टू रिस्ट्रिक्शंस और एलिमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट बिजनेस एंड ट्रेड। लिबरलाइजेशन मतलब कि लिबरल हो गए, रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट की थी वो थोड़ी थोड़ी खत्म होने लगी। तो इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, अब इसकी इफेक्ट, इसका असर, इसका प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है। चलिए तो देखिए, अगर स्टूडेंट आपने जल्दी से अभी सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से कर लीजिए, वरना आगे हम पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। तो कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री। तो हमारी कंपटीशन इंक्रीज हो गई, इससे हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया। बैरियर ऑन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वॉज रिमूव, सारी बैरियर थी, इम्पोर्ट ड्यूटी क्या हो गया, कम हो गया। इट मीन डैट गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड ईजली। तो गुड्स इम्पोर्ट भी कर सकते हैं इजली, पहले एक्सपोर्ट भी, पहले इसके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। फिर फॉरेन कंपनी सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिस टू बूस्ट अप द प्रोडक्शन। सब एक दूसरे के कंट्रीज में जाके एमएनसीज अपनी इंडस्ट्रीज को खोलने लग गए, और इट अलाउ मेकिंग डिसीजन फ्रीली, फ्रीली होने लग गया, इतनी बाउंडेशन नहीं थी। कॉम्पिटिशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री एंड सिंस दे हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी। और कंपटीशन से अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, जिससे क्या होगा, क्वालिटी इंक्रीज होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होंगी। अब देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सबके घर में एक मेंबर होता है जो सबको, घर के सब मेंबर को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है, वैसे ही सब कंट्री अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं। कोई कंट्री किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है या नहीं, कोई किसी को ज्यादा ट्रेड कर रहा है, कोई किसी को कम ट्रेड कर रहा है, इन सब का जो देखभाल होता है ना, वो एक फैमिली मेंबर, आप जैसे आपके ग्रैंडपा होते हैं या फादर होते हैं, वैसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है बनाया गया कि ये देखे कि ट्रेडिंग जो होगी वो फेयर वे से होगी या नहीं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इन फेवर ऑफ इंक्रीजिंग द वर्ल्ड ट्रेड थ्रू ग्लोबलाइजेशन। ये फेवर करते थे कि ग्लोबलाइजेशन ट्रेड होनी चाहिए। इनका एम क्या था, चलिए एम मोटिव क्या था देखते हैं। टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड बाय अलाउंग फ्री ट्रेड फॉर ऑल, मतलब इन्होंने क्या किया, अलाउ कर दिया कि फ्रीली आप एक दूसरे से ट्रेड कर सकते हो, इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई। टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड अमंग द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इट इज अ ओपन यूनिफॉर्म एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। कंट्री एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट ना करे, फ्रीली ट्रेड करे। रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, पहले इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी होती थी कि आप इतना ही इम्पोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी थी कि आप इतने क्वांटिटी ही करते, कोटा लगाया जाता था, टैरिफ लगाई जाती थी, ठीक है। अब जब बड़े फर्दर हायर क्लासेस में जाओगे ना, तो डिटेल में पढ़ो। लेकिन ड्रॉबैक्स क्या है, अब हर चीज की जो दो पहलू होती हैं, अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, वो पूरी देख लेते हैं। इट डोमिनेट बाय द डेवलप्ड, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो इनको फंड्स देती इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये डोमिनेटेड बाय डेवलप्ड कंट्री। इट इज यूज बाय डेवलप्ड कंट्री टू सपोर्ट द ग्लोबलाइजेशन इन एन एरिया आर नॉट डायरेक्टली टू ट्रेड। और ये क्या होते हैं, उन्हीं की बात मानते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है। बट इसकी बेनिफिट भी क्या क्या है देखते हैं, बेनिफिट क्या क्या है। बेनिफिट क्या है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। ये क्या करता है, डिस्प्यूट्स जो भी अगर दो कंट्रीज में क्या हो गई है, प्रॉब्लम डिस्प्यूट्स हो गई, लड़ाई झगड़े हो, तो आप ग्रैंडफादर देखते हैं ना वैसे ही। फ्री ट्रेड एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या करते हैं, फ्री ट्रेड्स के लिए ये प्रमोट करते हैं। ट्रेड रेज इनकम, इनकम ट्रेड कर होगा तो इनकम लोगों की इंक्रीज होगी, एक कंट्री से नहीं दूसरे कंट्री में भी आप अपने गुड्स को बेच सकते हो। WTO हेल्प टू प्रमोट पीस, और एक सब कंट्रीज में शांति बनी रहे इसको भी प्रमोट करती हैं।
ट्रेड स्टूमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर आप ट्रेड करोगे तो आपकी कंट्री की प्रॉफिट इंक्रीज होगी, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी, तो ओवरऑल जो कंट्री है वो क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा। WTO अनकरेज गुड गवर्नमेंट, और गुड गवर्नमेंट को भी अनकरेज करता है कि अच्छी सरकार होनी चाहिए। गवर्नमेंट्स आर शेड फ्रॉम द लॉबिंग, लॉबिंग जैसे करप्शन हो गए, ये सब चीजें क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब इम्पैक्ट क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन की, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखेंगे और नेगेटिव, दोनों को साथ साथ करके देखेंगे, देखते हैं। ग्रेटर चॉइस एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ गुड्स एट कॉम्पिटेटिव प्राइस एंड एनहांस रे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ग्रेटर चॉइसेस होंगी लोगों के पास, इम्प्रूव क्वालिटी होगी जिससे कंपटीशन प्राइस भी होगा और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगी। ज़्यादा प्राइस में बेचेंगे तो फर्म को या प्रोड्यूसर को क्या होगा, अच्छा बेनिफिट। MNCs हैव इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जैसे ही MNCs आई जिससे इन्वेस्टमेंट, लोग क्या हुए, दूसरी कंट्री हमारे कंट्रीज में आई, इन्वेस्टमेंट किया और हमारी कंट्रीज के लोगों को जॉब मिली, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये भी, टॉप इंडियन कंपनीज एमर्ज एज मल्टीनेशनल। अब हमारी कंट्रीज के बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं वो दूसरी कंट्रीज में गई और वो टॉप मैनेज मल्टीनेशनल कंपनीज की तरह एमर्ज हुई। क्रिएटेड अ न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विस लाइक IT सेक्टर, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि कंपटीशन हुआ, लोगों ने अपनी आइडियाज एक्सचेंज किया, लोग देखते थे कि वाह USA में इतना डेवलपमेंट हो रही है तो हम क्यों ना करें, तो हमारे इंडिया एक बहुत, ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री हो गई है। कोलैबोरेशन विथ फॉरेन कंपनीज हेल्प टू अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक। अब हमारे क्या होती हैं, MNCs हमारे कंट्रीज में आती हैं, लोकल कंपनी के साथ जॉइंट हैंड करती हैं, जिससे क्या होता है, हमारी लोकल कंपनी भी एमर्ज होती है। बट इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम देखेंगे, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट। इंडियन इकोनॉमी फेस द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन की बहुत प्रॉब्लम हो गई है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हैज फेल टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन कभी कभी देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन इतनी जॉब नहीं क्रिएट कर पाई और गरीबी भी हटा नहीं पाई, ठीक है। कट इन फॉर्म सब्सिडीज, और फॉर्म सब्सिडीज WTO बोलता है कि आप अपनी कंट्रीज को, अपने जो प्रोड्यूसर हैं, इतने सारे आपने क्या करना है, सब्सिडीज नहीं देना ताकि कंपटीशन खराब हो जाएगा, तो सब्सिडीज रोकता है WTO। क्लोजर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, अब क्या होता है कि दूसरी जो MNCs आती हैं वो उनकी गुड्स की डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जो स्मॉल प्रोड्यू इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी इतनी गुड्स की डिमांड नहीं होती तो वो बंद हो जाती है। अब स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट द फॉरेन, अब गवर्नमेंट, हर कंट्रीज की गवर्नमेंट, हमारे हम इसमें देखेंगे इंडियन कंपनी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स अपनाए टू अट्रैक्ट फॉरेन, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। गवर्नमेंट टेक फॉलो स्टेप टू अट्रैक्ट द, कैसे कैसे देखते हैं, टू सेटअप द इंडस्ट्रियल जोन, उन्होंने एक जोन बनाया, एक एरिया बना दिया, इस एरिया में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। अभी मैं आपको बोले जिसको हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैज़ द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। देखिए एक जोन बनाया गया, उस जोन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला गया, वहाँ उस जोन में एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मिलता है, जैसे बोलते हैं ना कोई गेस्ट आता है तो उनको एक अच्छा सा ट्रीटमेंट देते हैं, तो हमारी कंट्री ने भी एक जोन बनाया जहाँ पे उस जोन के अंदर उन्होंने बहुत सारी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के हो गया, वाटर हो गया, रोड हो गया, और टैक्स भी जो होती थी वो बहुत कम होती, जो बहुत मिनिमम, तो उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और ये गवर्नमेंट ने लिया। Who set up the production unit in SEZ do not have pay taxes for a initial period. और उस जोन में जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो
तो आपको 5 साल तक, जिसको बार बार बढ़ा भी देती है गवर्नमेंट, 5 साल तक कोई भी टैक्स नहीं पे किया जाएगा। इतनी अच्छी बात है ना। गवर्नमेंट हैज अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज टू अट्रैक्ट द, अब लेबर लॉज बहुत सारी कहते कि उनको लेबर आवर भी रिड्यूस किया गया, उनकी वेज रेट भी इंक्रीज किए गए। कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज टू ओबे रूल्स रेगुलेशन एंड एम टू प्रोटेक्ट द वर्कर राइट। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इंस्टेड ऑफ हायरिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, कंपनी हायर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर शॉर्ट पीरियड और देर इज अ इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क, दिस इज अ डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी। कि रेगुलर बेसिस पे ना हायर करके परमानेंट बेसिस पे हायर करे, ताकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो और कंपनीज के लिए भी बेनिफिट होगा और क्या होगा, लेबर के लिए भी बेनिफिट होगा। तो ये सब इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। ओके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये अभी देख लेते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि एग्जाम में तो ये आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों देखा गया तो इसको तो याद करके जाइएगा। और एक स्टूडेंट्स, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जैसे ये क्लास खत्म, अभी नहीं जाना है किसी ने, जैसे ही क्लास खत्म होगा एकदम से लिंक आपको नीचे भी लगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाइए और ये नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आप डाउन ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कीजिए और आराम से पढ़ के आइए, फुल मार्क्स लेके आइए, और मुझे फुल मार्क्स चाहिए। ओके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन ऑफ अ कंट्री दैट सब्जेक्ट टू यूनिक इकोनॉमिक रेगुलेशन, अभी हम पढ़ के आए, दैट एरिया इन द सेम कंट्री, एक कंट्री में ही एक जोन बनाया गया, वहाँ पे स्पेशल रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, और इनिशियल 5 ईयर तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं किया जाएगा। राइजिंग कॉम्पिटिशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, देखिए ग्लोबलाइजेशन एंड प्रेशर ऑफ कंपनीज हैव चेंज द लाइफ ऑफ वर्कर एंड ऑल्सो द लोकल प्रोड्यूसर। जब हेल्दी कंपटीशन होंगे, आप देखिए क्लासमेट्स ही होते हैं आपके आस पास, क्लासमेट होते हैं, अब उनसे सोचो अरे वो तो ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है, मुझे भी लेके आना है, तो ये हेल्दी कंपटीशन है ना, तो आप अपने जो स्टडी आवर्स हैं वो क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। तो वैसा ही लोकल गवर्नमेंट और डोमेस्टिक वर्कर के साथ हुआ, डोमेस्टिक और लोकल कंपनी, वर्कर आर नॉट गेटिंग जॉब security and the local producer are not able to roll with technology adopted. अब sense of security नहीं थी लोगों worker के पास, तो वो क्या हो गया, वो इसके through से special economic zone से sense of security हो गई job की, और technology जो local companies थी वो technology इतनी advanced technology use नहीं कर पाती थी, वो किससे increase हुआ, MNC। Many of the local producing unit have seen shut down and many are supposed to shut down in a near future. लेकिन इससे क्या हुआ, जो local companies थी, local जो domestic companies थी वो shut down, और क्या हो गया उससे, और नहीं तो अभी नहीं हुई है तो थोड़े दिन में तो ऐसा सा, ठीक है। The worker are not getting the regular work as they hire only a temporary worker, no longer get the protections and benefit they earlier. ना ही उनको क्या मिला, regular job, और उनको temporary basis पे, और no longer protection भी हुआ। The struggle for fair globalization, बहुत सारी struggle, क्योंकि globalization ठीक है अच्छा है, बट इसके डिमेरिट्स भी हम पढ़ के आ चुके हैं, नॉट बेनिफिट ऑल द पीपल, सबको नहीं बेनिफिट हुआ, पीपल विद एजुकेशन स्किल एंड वेल्थ हैव द बेस्ट यूज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास स्किल है, जिनके पास वेल्थ है, क्योंकि अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप MNCs में वर्क नहीं कर सकते, इसीलिए पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे तभी तो MNCs या फिर हम अपनी इंडिया को ही डेवलप करेंगे, ठीक है, तो वो भी हमारे इंडिया को ही ऐसे काम कीजिए, इंडिया को डेवलप करेंगे, बट पढ़ना तो पड़ेगा ना स्टूडेंट्स के लिए,
On the other hand, there are many people who have not share of benefits. और कुछ शेयर बेनिफिट जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करते थे या फिर जॉइंट हैंड करते थे उनको बेनिफिट उनको शेयर्स नहीं मिलता था, उसके उतनी ओनरशिप नहीं मिलती थी. तो ये क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन के डीमेरिट्स. अब देखते हैं लास्ट स्लाइड है, हाउ गवर्नमेंट अ प्ले अ रोल टू मेक द ग्लोबलाइजेशन फेयर. अब एक किसी कंट्री का जो कंट्री की जो सरकार है वो कैसे ग्लोबलाइजेशन को क्या कर सकती है, फेयर कर सकती है, अच्छा बना सकती है. देखते हैं, इट एंश्योर दैट ओके इट एंश्योर द पॉलिसी सच एज लेबर लॉ आर स्ट्रिक्टली अलाउड. जैसे कि लेबर लॉज पहले ही एमएनसीज को बता दे कि हमारे इतने लेबर के इतने इतने आवर्स देना, इतने इतने बेस दे, तो वो लेबर लॉज बना सकते. इट सपोर्ट द प्रोटेक्ट स्मॉल प्रोड्यूसर फ्रॉम ग्लोबल कंपनीज एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. जो लोकल कंपनीज हैं उनसे जो एमएनसी से हैं वो प्रोटेक्ट करेंगे, उनको आइडियाज देंगे कि तुम भी कम्पीट करो, मैदान छोड़ के मत जाओ, तुम भी कम्पीट करो. नेगोशिएट विद द WTO टू एंश्योर फेयर रूल्स. अब ये क्या हुआ, WTO सारी डेवलप्ड कंट्री की बातें मानता, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए. तो WTO को बोलेंगे कि आप अच्छे से रूल्स रेगुलेशंस बनाएं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री के फेवर में भी वर्क करे. द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट. अब कुछ मतलब एकदम तो आप ट्रेड बैरियर्स मत हटाइए, कुछ ट्रेड बैरियर्स तो रखिए ताकि आप अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो. गवर्नमेंट कैन ऑल्सो अलाइन विद डेवलपिंग कंट्री with similar interest to fight against the authority or dictatorship of developed. मतलब जो countries developing है वो सारे मिल के और जो developed country है उनके तरफ आवाज उठा सकते, वो अपनी बातें मनवा सकते, ठीक है. तो ये सब चीजें थी, बहुत simple, बहुत easy chapter है students, डरो मत. कोई भी doubt होता है पूछ सकते हो comment section में, telegram channel पे कभी भी. तो अच्छे से पढ़िए, एग्जाम दे के आइए, फुल मार्क्स लेके आइए, प्रॉमिस कीजिए मेरे साथ. तो ये चार चैप्टर था, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, होप आप लोगों को समझ आया होगा. और हम स्पेशल सेशन भी लेके आएंगे आपके लिए, तो इस चैनल को इन टच रहिएगा. और फिर क्या, फिर हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम टाइम, आपके लिए सरप्राइजेज हैं बहुत सारी, ठीक है. तो पढ़िए, कोई भी डाउट होता है तो पूछ लीजिए. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो सरप्राइजेज आएंगे ना वो आपकी तरफ पहुंच जाए. टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.